This conference will now be recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. जी क्या हाल है आप सबका? ठीक है? शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है. आप सबको SEO एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के इस 24वें बैच के लेक्चर नंबर 16 में खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को प्रीवियस 15 लेक्चर्स तक जो क्लिक बैंक का स्टार्ट करवाया था वहां तक बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी. अगर फिर भी किसी चीज की कमी रह गई है, कुछ सवाल रह गया है, तो आप लोग लेक्चर के स्टार्ट में ही पूछ सकते हो. आप लोगों को तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे. तो एक बंदा जो है वो ग्रुप में भी पोस्ट कर दे कि लेक्चर स्टार्ट हो गया, हो सकता है मेरी तरफ से की गई पोस्ट नोटिफिकेशन में ना गई हो मेंबर्स के, आपकी की गई पोस्ट चली जाए, ठीक है, ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन करें. जी उमर, आप कर दो पोस्ट. कोई सवाल है तो स्टार्ट में पूछ लो ताकि कोई कंफ्यूजन है, कोई असाइनमेंट बनाने में कोई इशू आ रहा है तो आप लोग स्टार्ट में पूछ लो. ठीक हो गया. अच्छा जी, एक तो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बाइंग कीवर्ड्स के बारे में डिटेल में समझा दिया था कि बाइंग कीवर्ड किस तरह के होते हैं. लाइक रिव्यू का वर्ड ऐड होता है, बाय का वर्ड ऐड होता है, गेट का वर्ड ऐड होता है, ऑर्डर का वर्ड ऐड होता है. तो इस तरह के कीवर्ड्स के अगर सर्चिज वाले कीवर्ड आप ढूंढ लेते हो तो वो बाइंग कीवर्ड्स हैं, उनमें बाइंग पावर है. वो आप जब उन पर रैंकिंग करवाते हो तो आपको डेफिनेटली क्लिकबैंक में सेल मिलेगी. अच्छा, जो प्रोडक्ट के बाइंग कीवर्ड है उसका फाइंड करने का तरीकाकार पहला तो ये था कि एग्जैक्ट प्रोडक्ट नेम, ठीक है. अच्छा, दूसरा तरीकाकार क्या है कि हम अच्छा जी, ये बेसिकली क्लिकबैंक क्योंकि डिटेल में इसलिए सिखाता हूँ कि इस पर बहुत अच्छी सेल है, स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी सेल ले रहे हैं, इस वजह से ले रहे हैं कि उनको डिटेल में समझ आ गई है कि कैसे हमने प्रोडक्ट निकालनी है, कैसे वेरीफाई करनी है, कैसे उनके बाइंग कीवर्ड हमने निकालने. अब हम फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कीवर्ड है पियानो फॉर ऑल रिव्यूज, ये मैंने गूगल में आके सर्च किया, प्रोडक्ट मुझे मिली हुई है. अब मैं बाइंग कीवर्ड की तरफ जा रहा हूँ. मैं एग्जांपल लेता हूँ, प्रोडक्ट नेम है पियानो फॉर ऑल, उसके एंड में उन्होंने लगाते रिव्यूज. अब मैं इधर आके जो साइटें टॉप पे रैंक कर रही है ना उनको वन बाय वन इनवर्टेड कॉमा भी चेक करूंगा.
अब ये हमें वो साइटें मिल गई हैं जो जब हमने इन्वर्टेड कॉमा में सर्च करवाया, हमें वो साइटें मिल गई हैं जो एग्जैक्टली इस फ्रेज को, एग्जैक्टली इस कीवर्ड को टारगेट कर रही थी। ठीक है, ये हमें मिल गई, इसको मैं करूँगा कॉपी। मेथड नंबर टू ये है, मैंने ये टू यूज करना है सिमिलर वेब। किसी भी प्रोडक्ट को जब हमें प्रमोट करना होता है ना, तो हमें मेन चीजें जो चाहिए होती हैं वो ये होती हैं, बाइंग कीवर्ड्स, ये तीन चीजें हमें चाहिए होती हैं। गारंटी, गारंटी जो है गारंटीड सेल लेने के लिए एक्चुअली जो हमें स्टेप चाहिए होते हैं वो ये तीन होते हैं। बाइंग कीवर्ड हमें चाहिए होते हैं, लैंडिंग पेज का आइडिया चाहिए होता है, और टारगेट कंट्री। सिमिलर वेब एक फ्री प्लेटफॉर्म है जो कि हमें ये तीनों चीजें देता है। फ्री टूल है, कुछ सर्विसेज हम फ्री कर सकते हैं, बाकी फिर पैसे लेते हैं। इसके बारे में डाटा इनके पास है। ठीक हम यहाँ पर चेक करेंगे अगर इनके पास डाटा मौजूद है, अगर इनके पास इसका डाटा भी मौजूद नहीं, हम तीसरे मैथड पे चलते हैं। ऐसे आप लोगों को कीवर्ड चोरी करना तो मैंने सिखाया ही थे ना, याद है आप लोगों को। हेल्थ इसलिए चूज करते हैं उमर, क्योंकि हेल्थ की जो ऑफर्स है ना वो बहुत ज्यादा कन्वर्ट होने वाली होती हैं, और हमेशा प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया जाता है ना, तो वो आपका जल्द ज्यादा सेल होता है। जब किसी प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन देते हो ना, तो वो ज्यादा सेल होता है, ज्यादा बिकता है। ठीक, अच्छा ये अब कीवर्ड चोरी करने जा रहे हैं, कीवर्ड कॉपी करने जा रहे हैं, एनालिसिस करने जा रहे हैं। ये मेथड नंबर तीन है, मेथड नंबर थ्री है बेसिकली कंपेटिटर्स को यूज करके जो उस प्रोडक्ट पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके कीवर्ड्स को हम लोग कॉपी कर लेंगे, चोरी कर लेंगे, व्हाटएवर जो भी आप उसको कहो। कंपटीशन बहुत हाई होता है उमर, 532 कीवर्ड इसके रैंक कर रहे हैं म्यूजिक GNY वेबसाइट के, वो क्या कीवर्ड्स हैं वो भी हम देखते हैं। अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। ये हम सॉर्ट कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं बाय वॉल्यूम। 12,100 वॉल्यूम वाले कीवर्ड पे ये रैंक करी साइट, 32 नंबर पे आ गई है। ठीक है, इजी सॉन्ग्स टू प्ले ऑन पियानो, ठीक है, पियानो फॉर ऑल क्योंकि प्रोडक्ट है तो उससे रिलेटेड ये कीवर्ड हैं, इनको हम टारगेट कर सकते हैं। जितने भी हैं इनमें से हम अपने हम लॉन्ग टेल कीवर्ड निकाल लेंगे, प्लस उन कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे जो हमारे विनिंग वर्ड के क्राइटेरिया को मैच करते होंगे, मीट करते होंगे। ठीक है,
तो ये तीन तरीकों से हम जो है अपने विनिंग कीवर्ड तक पहुंच जाएंगे। पहला मेथड सबसे अच्छा है कि एग्जैक्ट प्रोडक्ट नेम पे अगर सर्चिज हैं तो उससे अच्छा कीवर्ड ही कोई नहीं है, या प्रोडक्ट नेम के आगे रिव्यू लगा के फिर सर्चिज करवा के देखना है क्या है, कि कीवर्ड मिलता है या नहीं मिलता है। फिर नहीं मिलता तो फिर मेथड नंबर टू टू की तरफ आएंगे, नहीं मिलता तो फिर मेथड नंबर थ्री की तरफ आएंगे। ठीक है, ये तो हो गया कोई भी हमें प्रोडक्ट अगर मिलती है तो उसके बाइंग कीवर्ड निकालने का तरीका का। अब हॉट प्रोडक्ट यानी कि ऐसी प्रोडक्ट तक कैसे पहुंचे कि जो क्लिक बैंक की बहुत ज्यादा सेल होने वाली प्रोडक्ट्स है। उसके लिए एक टूल है सीबी इंजन। सीबी इंजन, सीबी इस पे हॉट प्रोडक्ट्स हमें मिल जाती हैं बाय ग्रेविटी। ठीक है, इसकी 625 ग्रेविटी है। ये डाइटरी सप्लीमेंट है, उसकी ऑफर है 75% ये कमीशन दे रहे हैं, $108 की सेल है, तो ये इस टाइम हॉट चल रही है। ठीक है, इस तरह से आपने सर्च करवाना है और उस प्रोडक्ट को इवन आप क्लिक बैंक में भी देखोगे कि क्लिक बैंक में क्या प्रोडक्ट आपके पास उसका लिंक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये ऑफर निकालने के लिए एक तो हमारे पास आ गया सिप इंजन टूल, ठीक है, दूसरा जो है वो फ्लिपकार्ट, मतलब flipkart.com पे। और हमने आके क्लिक बैंक सर्च करवाया, फ्लिपकार्ट ने शायद ब्लॉक कर दिया। फ्लिपा ने हमें बंद कर दिया जी, ब्लॉक कर दिया पाकिस्तानी आईपी को, हम लोग फ्लिपा पे नहीं देख सकते। ठीक है, और इसके अलावा एक और भी प्लेटफॉर्म है कोई भी है, बार बार ही है जी, एम्पायर फ्लिपर्स, इन्होंने फ्लिपा के बारे में
वीपीएन लगाया तो ये नेट बंद हो जाएगा। कोई डाटा भी नहीं इसके बाद। ये तो हमें फ्लिप पे जस्ट सोर्ड साइड्स का डाटा मिलता रहा है। मैं ट्राई करता हूँ। ट्राई करता हूँ कि आरटीपी पे हो जाए। जस्ट अ मिनट, यूएसए का आरटीपी लगा के भी नहीं लग रहा। इसमें फ्लिप फ्लॉप है। भी नहीं हुआ। अच्छा ये तो हो गया। अगर फ्लिपा चल पड़ा नेक्स्ट लेक्चर का, यानी कि कल तक, तो मैं फ्लिपा पे एक दफा आप लोगों को अपॉर्चुनिटी बता दूंगा कि किस तरह फ्लिपा पे साइट्स आती हैं, उनके प्रोडक्ट को हम कैसे देख सकते हैं कि प्रोडक्ट बेची और सेम प्रोडक्ट और सेम कीवर्ड्स हम भी टाइप
मैंने अभी इंटरनेट कनेक्शन चेंज कर दिया है ताकि हमारा काम आसान हो जाए, और इस वाले कनेक्शन पे फ्लिपा भी वर्क कर रहा है। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रहा था कि flipa.com पे लॉगिन होना है और यहाँ से आप लोगों की असाइनमेंट नंबर 3 पार्ट 1 फाइंड
hard selling products for the keywords for each product. You guys, I'm gonna three part one. अच्छा जी, ये है ऑनेस्ट रिव्यूज ऑनलाइन। अच्छा, डिजिटल फोरम, टीवी स्पेस फोरम अल्फा, ये हमें आइडिया मिलता है यहाँ से प्रोडक्ट्स का कि क्लिक बैंक की कौन सी प्रोडक्ट्स ज्यादा बिक रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है जी नाम उसने मेंशन नहीं किया हुआ, और इस पे जो ट्रैफिक आ रही है यूनिक है, पेज व्यूज ही हैं डायरेक्ट, इस तरह से इतने यूजर आ रहे हैं, और यूएसए के, ये यूएसए के यूजर है, ये यूके से यूजर आ रहे हैं। कह रहे कि क्लिक में एफिलिएट वेबसाइट ऑर्गेनिक ट्रैफिक रैंक नंबर वन, मंथली सेल ऑफ $20 पैसिव इनकम, यूज द वेबसाइट एज इट इज यू कैन एक्सपेक्ट मेक $250 एनुअल ऑटोमेटेड। ठीक है, ये कुछ छोटा सा ही सेटअप है, डोमेन ने पूछा हुआ उसने ये बता दिया। ठीक है, इसको हम डालेंगे उसमें एससीएम रश में, और इसके एनालिसिस करके आपने जो एनालिसिस करना है ना टॉप 10 में, साइट नेम, साइट एज, रैंक, कीवर्ड्स, प्लेटफॉर्म, प्लगइन्स, थीम, ठीक है, प्लगइन्स, थीम, आर्टिकल लेंथ या रिव्यू लेंथ यानी कि वर्ड काउंट, ठीक, डोमेन एज, सोल्ड इन इतने में बिकी, सारी जो है टॉप 10 एनालिसिस आपने असाइनमेंट नंबर 3 पार्ट 2 में करके भेजने मुख्य साइट्स के। ये चटपटा यही सारा खुल जाता है, ऐसे ब्रश में जब हम डालते हैं साइड को, इस कीवर्ड पे वो रैंकिंग करवा रहा है और यहीं से वो ट्रैफिक लेके और सेल ले रहा है। ठीक है, ये आपको एक आइडिया दिया, ये डोमेन हो गई, ये कीवर्ड निकल आया, कितने पेजेस इंडेक्स हैं, गूगल में चेक कर लिया कि इस डोमेन के कितने पेजेस इंडेक्स हैं। ठीक है, इस तरह आपने एनालिसिस कर ले रहे हैं। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे और आप लोगों को क्लिकबैंक के प्लेटफॉर्म के बारे में मजीद डिटेल में बताता जाऊंगा। ठीक है।
ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।